टाटा मोटर्स की मिनी एसयूवी पंच के फेसलिफ्टेड वेरिएंट को फिर से रोड टेस्ट करते हुए स्पाई कर लिया गया, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप पंच और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर 24 टाटा पंच फेसलिफ्ट की स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप पंच फेसलिफ्ट के फ्रंट क्वार्टर को देख सकते हैं, जहां ये टेस्टिंग वेरिएंट मोस्ट प्रोबेबली टॉप एंड वेरिएंट था, क्योंकि इसमें नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स और LED हेडलाइट्स फिट थी, जिनकी वर्किंग भी दिख रही है। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके रियर एंड को देख सकते हैं, जहाँ इसको LED टेल लाइट्स, वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, शार्क फिन एंटीना और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर वाले फीचर्स दिए हुए थे। बाकी एज सच कोई भी मेजर चेंज नहीं दिख रहा इसके एक्सटीरियर में। तो ये तो होगी 2024 टाटा पंच फेसलिफ्ट की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। नई पंच में हमें पेट्रोल और CNG के इंजन मिल सकते हैं, जिनमें से एक इंजन होगा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 86 PS की पीक पावर और 114 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा इंजन होगा 1.2 लीटर पेट्रोल CNG बाय फ्यूल इंजन, जो कि 70 PS की पीक पावर और 114 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। इस इंजन के साथ हमें सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिलेगा। और तीसरा इंजन होगा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 110 PS की पीक पावर और 140 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCA ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन इंजन के अलावा इसको ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी मिलेगा। तो ये तो होगी 2024 पंच फेसलिफ्ट की एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। नई पंच में हमें स्प्लिट LED हेडलैम्प्स, डुअल फंक्शन LED DRLs, LED टेल लाइट्स, फॉग लैम्प्स, 16-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 10.25-inch फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस एनड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एम्बिएंट लाइटिंग, JBL साउंड सिस्टम, ऑटोमेटिक IRVM, कूल ग्लव बॉक्स, लेदरेड सीट्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर AC वेंट्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, ड्राई मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में नई पंच में हमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2024 पंच फेसलिफ्ट के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। टाटा मोटर्स नई पंच को 6.2 लाख से 11 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में है, और लॉन्च होने के बाद ये निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से 2024 टाटा पंच फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।